ओके देन, आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब अनसर्टेनिटी एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। ये टॉपिक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि अनसर्टेनिटी एनालिसिस की बात हो रही है, डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है कि किस तरीके से हम अपने अनसर्टेनिटी को एनालाइज करेंगे और उसके बेसिस पे फिर हम डिसीजन लेंगे क्या हमारे लिए बेस्ट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं तो मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ओके देन, तो अनसर्टेनिटी अपीयर्स टू बी थियोरेटिकल एंड इन प्रैक्टिकल स्टेट as there the investor has perfect knowledge of the investment environment such that he is definite about the size regularity and periodicity of the flow of returns। यहाँ पे देखो दो चीजें ऐड कर दी गई, ठीक है। एक पे यहाँ पे अनसर्टेनिटी की बात हो रही है और दूसरा किन के लिए बात हो रही है, ये बात हो रही है उन सारे लोगों के लिए जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है ना। तो अनसर्टेनिटी की पहले बात कर लेते हैं। तो अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि किसी चीज को लेकर के अनसर्टेन होना कि ये चीज होनी है या नहीं होनी है, ठीक है। सो देयर आर मल्टीपल ऑफ थिंग्स जो कि आप सोचते हो कि नहीं ऐसा होना चाहिए, बट एट द एंड आपको पता चलता है कि ऐसा हुआ ही नहीं, कुछ और हो गया, है ना। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि सर्टेनिटी जो है वो बहुत ही थ्योरेटिकल एक मतलब चीज है, उसको हम इम्प्रैक्टिकल स्टेट बोलेंगे, क्योंकि सर्टेनिटी बोल के कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। आप बोलोगे कि ठीक है मैं इस चीज के लिए सर्टेन हूँ, लेकिन सडनली कुछ एक ऐसा यू नो सर्कमस्टेंसेस आ गया, कोई ऑब्स्टेकल आ गया कि आप वो चीज कर ही नहीं पाए। तो अनसर्टेनिटी हमेशा प्रिवेल करती है, लेकिन सर्टेनिटी अगर आप चाहोगे तो सर्टेनिटी उस चीज में लाई जा सकती है। ये जो स्टेट होता है सर्टेनिटी का कि हम बोलते हैं कि सर्टेनली हम इस काम को करेंगे, वो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल होता है, बिकॉज वो कंटिजेंसी के ऊपर भी एक तरीके से डिपेंड करता है। अगर कुछ कुछ बड़ा कुछ हो गया, कुछ आप यू नो डिफरेंट काम में बिजी हो गया, तो फिर आप वो काम नहीं कर पाओगे, राइट। सो सर्टेनिटी अपीयर्स टू बी थ्योरेटिकल एंड इम्प्रैक्टिकल। अब बात होगी इन्वेस्टर की, तो इन्वेस्टर जो होता है उसकी जो नॉलेज है ना, उसके पास परफेक्ट नॉलेज होता है इन्वेस्टमेंट जो भी उसने किया होता है उसके बारे में, उसकी पास जो पूरी जानकारी होती है उसके इन्वेस्टमेंट के बारे में, उसकी जो इन्वेस्टमेंट उसका जो साइज है, जो रेगुलरिटी है, कि जो पीरियोडिसिटी फ्लो ऑफ रिटर्न, उसको जो पीरियोडिकली जो रिटर्न मिलते हैं उसके बारे में उसके पास पूरी जानकारी होती है, राइट। तो उसके बेसिस पे फिर जो है वो डिसीजन लेता है कि क्या मुझे अभी ये करना चाहिए, क्या मैं इस चीज के लिए सर्टेन हूँ या नहीं हूँ, ये सारी चीजें जो है इन्वेस्टर एक तरीके से करता है। बट स्टिल आपके पास कितना ही नॉलेज क्यों ना हो, अनसर्टेनिटी हमेशा प्रिवेल करती है, ठीक है। सच सिचुएशंस में एग्जिस्ट इन द शॉर्ट रन। अब ये जो सिचुएशन की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है इन्वेस्टर वाली सिचुएशन की, कि जो जो अनसर्टेनिटी है या जो सर्टेनिटी है वो हर एक केस में एक तरीके से प्रिवेल करती है, चाहे वो शॉर्ट रन हो या फिर लॉन्ग रन हो। यहाँ पे खासकर अभी शॉर्ट रन की बात हो रही है। हाउएवर ऑन लॉन्ग रन या फिर लॉन्ग रेंज इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट प्रिडिक्टेबल एज दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी काइंड्स ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस विद टाइम, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मार्केट एंड टेक्नोलॉजी एटीसी, ठीक है। तो सर्टेनिटी थोड़ा बहुत जो है शॉर्ट रन में पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि हम बोल पाते हैं कि चलो शॉर्ट रन में है, एक दो महीने में कोई चीज करना है तो हम इस चीज को लेकर के सर्टेन है कि हम कर लेंगे। बट लॉन्ग रन में क्या हो गया, सपोज 6 महीने, 1 साल, 2 साल का अगर आपने कुछ प्लानिंग करके रखा हुआ है तो वो वहां पे अनसर्टेनिटी रहेगा कि वो चीज होगा कि नहीं होगा, हो सकता है वो चीज ना भी हो, ठीक है ना। वही बात यहाँ पे बोली है कि जो लॉन्ग रन में देखा जाता है कि जो इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं वो पीरियडिकली इन्फ्लुएंस होते हैं बाय मेनी फैक्टर्स। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो पॉलिटिकल एक फैक्टर हो सकता है, इकोनॉमिक, मार्केट, टेक्नोलॉजी, ये कुछ 4-5 फैक्टर्स के बारे में बोला गया जो कि एक तरीके से इन्फ्लुएंस करता है अनसर्टेनिटी को, सर्टेनिटी को, ठीक है ना। यहाँ पे मेनली हम लोग को करना क्या है, हम लोग को अनसर्टेनिटी एनालिसिस करना और उसके बेसिस पे हमें डिसीजंस लेने हैं। अगला पैराग्राफ देखो, रिस्क इज मोर कॉमन इन द वर्ल्ड। सही बात है, रिस्क हमें हर चीज में है अभी, है ना, अभी क्या पहले भी एग्जिस्ट करता था, रिस्क हमें हर चीज में होता है। अ सिचुएशन विद मोर देन वन पॉसिबल आउटकम फॉर अ डिसीजन सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ दीज आउटकम्स कैन बी मेजर्ड इन रिस्क सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से सिचुएशन की बात की जा रही है कि जैसे कि बताया गया कि हर एक सिचुएशन में हमें रिस्क होता है, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी कि आपका आउटकम क्या होगा, अगर आप रिस्क ले रहे हो तो उसके बदले आपको कुछ ना कुछ आउटकम जरूर मिलता है, तो जो प्रोबेबिलिटी है अगर ज्यादा हाई होगी तो डेफिनेटली हम उस रिस्क को लेना चाहेंगे। ऐसे रिस्क तो हमें तकरीबन हर एक सिचुएशन में लेना ही पड़ता है। हो सकता है कि समटाइम्स आपने जिस चीज के लिए रिस्क लिया उसका रिटर्न आपको मिला ही नहीं, उसका आउटकम आपको मिला ही नहीं, ठीक है ना। तो जो भी आप डिसीजन मेकिंग करोगे वो आपके रिस्क के ऊपर ही डिपेंडेंट एक तरीके से होगा और उसके प्रोबेबल आउटकम के ऊपर डिपेंडेंट होगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर रिस्क बहुत ही ज्यादा है तो आप उस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करोगे। रिस्क कम होगा, आउटकम आने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो वहां पे आप जाकर के डिसीजंस को अपना लोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात हो रही है टॉसिंग ऑफ कॉइन के बारे में, कि यहाँ पे 50% चांसेस है
कि आपका हेड या फिर टेल आ जाए, राइट। इस तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग ऑफ अ कॉइन 50-50 होता है, और इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक, जो आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें भी होता है कि या फिर तो हो सकता है कि लॉन्ग रन में आपको फायदा हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, या तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो दोनों चांसेस यहाँ पे आपके पास बराबर बने हुए रहते हैं। द ग्रेटर द नंबर ऑफ नंबर एंड रेंज ऑफ आउटकम, द ग्रेटर इज द रिस्क एसोसिएटेड विद द डिसीजन और एक्शन, ठीक है ना। ये बात यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि आप जितना लंबा किसी चीज में खेलोगे, इन्वेस्टमेंट जो है शॉर्ट रन में है तो वहां पे अनसर्टिनिटी है, लेकिन फिर भी चांसेस कम है आपके, ठीक है ना, कि अनसर्टेन मतलब आप किसी आपके आपका लॉस हो जाएगा जो भी, क्योंकि आप कैलकुलेशंस वगैरह करके कर रहे हो। लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप कर रहे हो, आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इन फ्यूचर लॉन्ग रन में क्या हो जाएगा आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। वही बात यहाँ पे बोला आ रहा है कि जो आपका रेंज ऑफ आउटकम्स है, जो रेंज है ना, वो अगर ज्यादा होगा तो वहां पर रिस्क फैक्टर भी, जो रिस्क एसोसिएशन होगा उस डिसीजन या फिर एक्शन के साथ, वो भी आपका यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अनसर्टेनिटी इज अ सिचुएशन वेयर देयर इज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम टू अ डिसीजन, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्पेसिफिक आउटकम ऑकरिंग इज नॉट नोन और इवन मीनिंगफुल, ये इसका डेफिनेशन है, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी एक सिचुएशन होता है जहां पे एक से ज्यादा आउटकम आपके पास आ सकते हैं। आपने सोचा कि मैं इस काम को करूंगा तो मुझे ये आउटकम मिलेगा, बट यू आर इनसर्टेन, इवन एवरीथिंग इज इनसर्टेन। तो आपने काम तो कर दिया लेकिन जो आउटकम है वो आपके मन मुताबिक नहीं आया, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी का मतलब ही है कि वहां जो आउटकम है वहां पे एक ही आउटकम नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि सब चीज आपके लिए पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकता है। तो जो पॉसिबल आउटकम होगा उसके चांसेस जो है एक से ज्यादा होने के होंगे, तो उसको हम अनसर्टेनिटी बोलेंगे या फिर अनसर्टेनिटी का सिचुएशन बोलेंगे, ठीक है, टू अ डिसीजन। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी होगी, जो भी आउटकम आपके पास निकल करके आएगा, वो डेफिनेटली आपको उसके बारे में जानकारी नहीं होगी कि क्या आउटकम निकल करके आने वाला है। अगर पता ही होता तो फिर हम डिसीजन ले लेते और अनसर्टेनिटी होती ही नहीं। अनसर्टेनिटी का मतलब ही यही है कि क्या आउटकम आएगा ये भी नहीं पता है आपको, और आउटकम में पॉजिटिव होगा आपके लिए या नेगेटिव होगा वो भी आपको नहीं पता है, और जो प्रोबेबिलिटी है आउटकम के आने की, वो आउटकम आपके लिए नोन होगा या नहीं होगा ये भी आपको नहीं पता। तो अनसर्टेनिटी इज लाइक क्या बोलूं, कुछ भी यहाँ पे सर्टेन नहीं है, ठीक है, उस तरीके से। सो दिस मे बी ड्यू टू द इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन और इनस्टेबिलिटी इन द नेटवर्क नेचर ऑफ वेरिएबल्स। अब ये पॉसिबल हो पाता है, ये चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे पास जो है, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, जिस चीज को लेकर के आप डिसीजन ले रहे हो, उस चीज के बारे में आपके पास जानकारी कम है, ठीक है, आपके पास इंफॉर्मेशन कम है, इनस्टेबिलिटी है। जो वेरिएबल है जिसके जिसको लेकर के आप डिसीजन ले रहे हो, वो वेरिएबल सपोज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएबल है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, उसमें इंस्टेबिलिटी रहती है, स्टेबल नहीं है वो। उस केस में आपके पास ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो डिसीजन है वो अनसर्टेन है, और आपका जो आउटकम होगा वो भी आपके लिए सही हो सकता है ना हो, या मल्टीपल आउटकम आएगा। जैसे कि यहाँ पे शेयर मार्केट की बात की जा रही थी, सिंपल सा उसी का एग्जाम्पल ले लो। लॉन्ग रन में उसका कोई भरोसा नहीं है आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, और जो शेयर मार्केट होता है वो बहुत इनस्टेबल होता है। ऐसा नहीं कि आज प्रॉफिट हो रहा है तो कल भी आपको प्रॉफिट होगा, अगले दिन भी आपको प्रॉफिट होगा, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा वहां पे होते हैं, ठीक है ना। तो शेयर मार्केट के बारे में अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा, आपके पास अगर जानकारी नहीं होगी, तो डेफिनेटली वहां पे अनसर्टेनिटी होगी कि आपको प्रॉफिट ना भी हो, राइट। तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है, ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वहां पे आपके पास इंफॉर्मेशन या फिर इंस्टेबिलिटी है, इंफॉर्मेशन की कमी है या फिर इंस्टेबिलिटी है, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम हो रही है। इन एक्सट्रीम केसेस ऑफ अनसर्टेनिटी द आउटकम्स में इटसेल्फ बी नॉट क्लियर, ठीक है। अगर अनसर्टेनिटी बहुत ही ज्यादा है, ठीक है ना, कि क्या होने वाला है मुझे एकदम नहीं पता, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में जो आउटकम होगा वो भी लाइक एक तरीके से आपको नहीं पता होगा कि आउटकम जो है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या क्या होगा, इसके बारे में आपके पास ज्यादा भी ज्यादा जानकारी नहीं होगी, क्योंकि वहां पे जो जो डिसीजन आप ले रहे हो उस चीज को लेकर के आप बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन हो कि क्या होने वाला है, राइट। तो वहां पे जो आउटकम होगा वो भी हो सकता है कि आपके लिए नोन ना हो, कुछ ऐसा हो जाए जो आपने सोचा ही ना हो, ठीक है ना। तो वो चीज यहाँ पे हो जाती है। नाउ डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी इज नेसेसरीली सब्जेक्टिव। अब जो डिसीजन मेकिंग होता है अनसर्टेनिटी के अंदर वो सब्जेक्टिव होता है, आप कोई एक चीज सोच करके उसके ऊपर डिसीजन लेते हो, ठीक है ना, लेकिन वो चीज होगी या नहीं होगी इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है, चीजें अनसर्टेन होती है। लेकिन जो आपका डिसीजन होता है, जो डिसीजन मेकिंग होता है, वो एक तरीके से सब्जेक्टिव होता है कि नहीं ये होना चाहिए या ये हो सकता है,
ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक था अनसर्टेनिटी एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग का। इसके ऊपर एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक केस स्टडी दिया हुआ है, जिसको हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो केस स्टडी को थोड़ा करते हैं, इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। यस नाउ, बर्गर किंग का नाम आपने सुना होगा। बर्गर किंग अमेरिका की बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत ही बड़ी फास्ट फूड स्टिल एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ रिद्धि, 1 मिनट। ओके देन, सो बर्गर किंग के बारे में बात हो रही है। बर्गर किंग का जो फाउंडेशन है, उसका फाउंडेशन हुआ था 1954 में, उसको फाउंडेड किया गया था। बर्गर किंग इज अ वेल नोन अमेरिकन फास्ट फूड कंपनी व्हिच ऑफर्स अफोर्डेबल एज वेल एज हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, बर्गर किंग जो है मैकडोनल्ड्स की तरह जो है एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, फास्ट फूड कंपनी है अमेरिका की, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको ऑफर करती है। ठीक है, ऑन एन एवरेज 11 मिलियन पीपल, 11 मिलियन का मतलब होगा तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख लोग। ठीक है, ऑन एन एवरेज 11 मिलियन पीपल विजिट बर्गर किंग रेस्टोरेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में से तकरीबन आप मान लो 1 करोड़ 10 लाख लोग जो है बर्गर किंग के आउटलेट्स पे जाते हैं, उसके रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं। फ्रेंच फ्राइज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ फास्ट फूड कंपनी। बर्गर किंग इटसेल्फ गेट्स वन ऑर्डर ऑफ फ्राइज फॉर एवरी 2 ऑर्डर। ठीक है, फ्रेंच फ्राइज जो होता है वो बहुत ही कॉमन एक तरीके से आप बोल सकते हो फूड अमेरिका में, तो इसकी ऑर्डर भी बहुत ज्यादा होती है। लोग ज्यादा जो है फ्रेंच फ्राइज को खाना पसंद करते हैं, एंड दे ऑर्डर वेरी मच दिस एंड फॉर एवरी 2 ऑर्डर, है ना। बर्गर किंग के पास जितने भी ऑर्डर आते हैं उसमें से हर 2 ऑर्डर में एक एक ऑर्डर जो है फ्रेंच फ्राइज का होता है, मतलब सोचो इसका डिमांड कितना ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया। इसका हम लोगों ने हेडिंग थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, अ केस स्टडी ऑफ बर्गर किंग सेटिस फ्राइज विच फेल्ड मिजरेबली। सही ना, सेटिस फ्राइज एक तरह का प्रोडक्ट आप बोल सकते हो, जो कि जब इसको लॉन्च किया गया हम लोगों ने, तो ये एक तरीके से कम्प्लीटली एक तरीके से फेल हो गया। ठीक है ना, ये चला नहीं। तो ये क्यों फेल हो गया, इसके पीछे अनसर्टेनिटी एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग का एक बहुत बड़ा रोल है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नाउ बट बैक इन 2013 व्हेन द हेल्थ ट्रेंड्स सेट इन, जब हेल्थ ट्रेंड एक तरीके से स्टार्ट हुआ, अभी के टाइम पे भी हम लोग बहुत ज्यादा हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस हो गए हैं, पहले नहीं हुआ करते थे। तो 2013 के बाद से ये जो है एक तरीके से स्टार्ट हुआ है ना, कि सारे लोग जो है थोड़ा हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस हैं, खाने पीने में बहुत ज्यादा चेंजेस कर रहे हैं, ज्यादा फ्राइड चीजें नहीं खा रहे हैं, एंड जो वेज प्रोटीन होता है उसके तरफ लोगों का रुझान ज्यादा है, जो मीट प्रोटीन है उसके तरफ लोग कम ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो है अमेरिका में एक तरीके से होनी स्टार्ट हुई 2013 में। ठीक है, बर्गर किंग नोटिस That its fries sales were dropping in USA. उनको ये दिखा कि जो जो सेल है फ्राइज का, ठीक है ना, फ्राइज तो कम्प्लीटली लाइक तला भुना रहता है, तो उसकी जो सेल है वो एक तरीके से वहां पे घटने लगी। ठीक है, सो टू अट्रैक्ट हेल्थ कॉन्शियस आउटकम्स, बैक एट डिसाइडेड टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड सेटिस फ्राइज, फ्राइज विच कंटेन 40% लेस फैट एंड 30% लेस कैलोरीज। तो इन लोगों ने क्या किया कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इन लोगों ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था सेटिस फ्राइज, जिसमें 40% कम फैट था। फैट वो चीज होता है जिससे आपको एक तरीके से थोड़ा हेल्दी होने में, थोड़ा मोटा होने में वो हेल्प करता है आपके बदन में, मतलब वो लगेगा। ठीक है ना, वो मतलब एक तरीके से थोड़े से आप हेल्दी हो जाओगे, आपका वजन बढ़ेगा। ठीक है ना, तो उन्होंने वजन को एक तरीके से लोगों में ना बढ़े, फैट को लेकर के, ओबिसिटी को लेकर के पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, और उसके कारण से डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी होती हैं, हार्ट अटैक आ जाता है, शुगर की भी इश्यूज हो जाती हैं। तो उसको लाइक ध्यान में रखने के लिए, चूंकि लोग कम खा रहे थे, तो इसने लॉन्च करा सेटिस फ्राइज, जिसमें 40% लेस फैट था और इसमें 30% लेस कैलोरी भी था। ठीक है, आपको सपोज 100 कैलोरी मिल रहा है कुछ चीज खा करके, तो आपको 70 कैलोरी ही मिलेगा। ठीक है, दे लॉन्च न्यू फ्राइज बेस्ड ऑन सेवरल अजम्पशंस सच एज देयर कस्टमर वांटेड हेल्दियर ऑप्शंस एंड वे आर रेडी टू पे मोर फॉर दैट। ठीक है, तो उन्होंने जो ये प्रोडक्ट लॉन्च किया उसके पीछे कुछ अजम्पशंस थे। Assumptions मतलब एक तरीके से उनकी थिंकिंग थी कि नहीं ऐसा हमें करना चाहिए क्योंकि लोग इस चीज को पसंद करेंगे या डिमांड में रहेगा। ये क्यों उन लोगों ने सोचा, क्योंकि उनको लगा कि जो कस्टमर्स हैं वो थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो क्यों ना हम ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो कि हेल्दी हो थोड़ा सा,
40% लेस उसमें फैट है, 30% लेस कैलोरी है। तो इस अजम्पशन के बेसिस पे उन लोगों ने जो है उस प्रोडक्ट को लॉन्च करा उनको, और उनको ये भी लगा कि अगर हम हेल्दियर चीजें बनाएंगे, हेल्दियर फूड अगर बनाते हैं तो लोग हमें ज्यादा भी पे कर सकते हैं, एंड दे आर रेडी टू पे फॉर दैट, पे मोर फॉर दैट, है ना, उस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए वो लोग ज्यादा पे करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इट वॉज अ वेरी कैलकुलेटेड रिस्क टेकन बाई बर्गर किंग बेस्ड ऑन द ऑनगोइंग ट्रेंड ऑफ हेल्थ, है ना। तो ये जो रिस्क उन लोगों ने लिया उस टाइम पे, जो उन्होंने एक तरीके से डिसीजन लिया, ये डिसीजन बहुत ही एक तरीके से यू नो कैलकुलेटेड था, कि उनको लग रहा था कि नहीं क्योंकि ये ट्रेंड सेट कर रहा है, लोग हेल्थ की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो हम ये एक छोटा सा रिस्क लेकर के देखते हैं, डिसीजन लेकर के देखते हैं कि इस प्रोडक्ट को हम लॉन्च करते हैं, देखते हैं ये प्रोडक्ट चलता है या नहीं चलता है, ठीक है। तो ऑन गोइंग जो ट्रेंड था हेल्थ कॉन्शियसनेस को लेकर के, उसको ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च करा। पर हुआ क्या, द प्रोडक्ट विच लॉन्च एज अ गेम चेंजर इन फास्ट फूड मार्केट फेल टू अटैच द कस्टमर्स एंड इट वॉज डिसकंटिन्यूड इन 2014 ओनली। सोचो 2013 में स्टार्ट किया, 2014 में फिर इसको बंद करना पड़ गया। तो उन लोगों ने सोचा था कि ये प्रोडक्ट बहुत चलेगा, बट हुआ क्या कि आगे जाकर के ये फेल हो गया और इसको बंद करना पड़ा 2014 में। उनको लग रहा था कि ये गेम चेंजर साबित होगा, मतलब जब मैं इसको लॉन्च करूंगा ना तो पूरी दुनिया इसी के पीछे जाएगी, लोग मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, ये सारी चीजें जाना छोड़ ही देंगे, इन लोगों को ऐसा लगा। पर वैसा कुछ हुआ नहीं, तो फ्रेंच फ्राइज जैसा है अभी भी चलता है, लोग पसंद भी करते हैं, बट इसको जो लॉन्च किया गया था इसको 2014 में ही बंद कर दिया गया। इट वॉज अ मेजर ब्लो टू द ग्लोबल फास्ट फूड जायंट विच वॉज स्ट्रगलिंग टू प्रोवाइड फास्ट फूड एट इट्स रेस्टोरेंट। तो ये जो प्रॉब्लम हुई ना, इसके कारण से बर्गर किंग को बहुत बड़ा यू नो नुकसान झेलना पड़ा, बहुत ज्यादा उनको स्ट्रगल करना पड़ा कि अपने रेस्टोरेंट में वो कौन सा फास्ट फूड एक तरीके से यू नो लोगों को सर्व करें, इस तरह की चीजें जो है उन लोगों को झेलनी पड़ी उस टाइम पे। देयर वर सेवरल एक्सप्लेनेशंस गिवन बाय एक्सपर्ट्स ऑन व्हाई दिस प्रोडक्ट कुड नॉट क्रिएट अ वीक पोजिशनिंग एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने अपने उनकी अपनी अपनी राय थी कि इस चीज के कारण हो सकता है कि उनका जो पोजिशनिंग था वो बहुत ही वीक था, इस वजह से वो जो है प्रोडक्ट चला नहीं, इस वजह से वो प्रोडक्ट अगर उस प्रोडक्ट को ऐसा करते तो वो और चलता। तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों का ना डिफरेंट डिफरेंट नजरिया है, उनका डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है इस इवेंट को लेकर के। बट वन थिंग इज क्लियर, लेकिन एक चीज क्लियर है वहां पे, व्हाट कस्टमर सेज या वांट एंड डू आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर, ठीक है ना। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बोली गई कि कस्टमर जो होता है ना, वो जो उसको जो चाहिए या फिर जो वो बोलता है, वो बहुत फर्क होता है वो जो करता है उससे। कई बार हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये खाना छोड़ देंगे वो खाना छोड़ देंगे, बट जब उस चीज को करने की बारी आती है तो हम नहीं कर पाते हैं, हम पुरानी चीजें ही करने लगते हैं, हम फिर से उन्हीं सारी चीजों को खाने लगते हैं जिसको नहीं खाना चाहिए था। हम लोगों ने सोचा था कि चलो ये नहीं खाएंगे, बट स्टिल वी आर डूइंग इट, स्टिल वी आर हैविंग इट। तो ये चीज जो है ना, ये क्लियर हो गया उन लोगों के मन में कि ऐसा होता है, ठीक है। सो देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी इन द बिजनेस एनवायरनमेंट व्हिच कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में अनसर्टेनिटी हमेशा होती है जिसको हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली अनसर्टेनिटी ही ऐसी चीज है जो कि हमें मतलब एग्जिस्ट करती है, सर्टेनिटी बोल के कोई चीज नहीं होती। सर्टेनिटी अगर है तो वो सिर्फ आपके लिए है, आपके डिसीजन के लिए है कि आपको ये डिसीजन लेना है, आप उस चीज को सर्टेन बना सकते हो, बट अनसर्टेन बाई नेचुरल वो चीजें जो है एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा है लाइन। नाउ दिस केस क्लियरली शोज that even a well conceived strategy is risky and can lead to results estimated to have a small probability of occurrence, theek hai na। to ye case study sun ke ya padh ke hame ye completely pata chal gaya hai ki aapka risk kitna hi chhota kyun na ho, theek hai na, jo probability hai ki aap aapka aapko matlab aapka product nahi chalega ya uncertainty rahegi wo fir bhi wahan pe bahut zyada hogi, theek hai। यहाँ पे देखो जो इन लोगों ने सोचा था कि यू नो अब इनकी स्ट्रैटेजी देखो वेल कंसीव्ड थी, डेफिनेटली वेल कंसीव्ड थी, उन्होंने कम्प्लीटली सोच लिया था कि ऐसा होगा, ट्रेंड सेट हो रहा है, क्यों नहीं हम इस तरह के प्रोडक्ट को लॉन्च करें, काफी अच्छा चलेगा, बट चला ही नहीं, ठीक है ना। विच क्या लिखा हुआ, एंड कैन लीड टू रिजल्ट्स एस्टिमेटेड टू हैव अ स्मॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। उनको लगा था कि अगर ये नहीं भी चला तो ज्यादातर लोग फिर भी इसको पसंद ही करेंगे, हो सकता है कि कुछ लोग इसको पसंद ना करें, बट स्टिल जो लार्ज प्रोबेबिलिटी होगी वो यही होगी कि लोग इसको पसंद करेंगे, बट उल्टा हो गया, पसंद ही नहीं आया किसी को, और फाइनली जाकर के 2014 में ही इसको बंद करना पड़ा विद इन अ स्पैन ऑफ वन ईयर ओनली, एक साल के भीतर ही। इंडीड द फेलियर रेट फॉर न्यू प्रोडक्ट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स स्टनिंग 80%। और एक और यहाँ पे फैक्ट है कि इंडिया यूएस में जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है, नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, उसके 80% चांसेस होते हैं कि वो फेल ही करेगा,
ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट है, हो सकता है वो अमेरिकन मार्केट था इसीलिए, यहाँ पे चूंकि वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो उनको पता है कि चलो फैट अगर बढ़ रहा है तो फैट बर्न करने का भी मे बी डिफरेंट तरीका है, तो चलो खाने में क्यों कॉम्प्रोमाइज करना, थोड़ा मेहनत ही कर लेंगे, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज कर लेंगे एंड ऑल, तो मे बी सर इसलिए उन लोगों ने उस चीज को नहीं किया होगा। बट इंडिया में अगर लोगों को आप बता दोगे ना, अगर आप एहसास दिला पाओगे कि ये खाना सही नहीं है, तो वो लोग मतलब ज्यादा सोचेंगे नहीं, वो बस लेने लगेंगे। ठीक है, तो ये चीज होती है, तो इसलिए यूएस में जो 80% रेट है फेलियर का वो एग्जिस्ट करता है, मतलब वहां पे कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा होंगे रादर देन पास होने के। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, अनसर्टेन एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। आई होप कि वीडियो पसंद आएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, थैंक यू, लेट्स